खाना तो ले ले बाबा। ओले ओले खाना मिली का खाना मिली प्यारी मिली हमारी मिली मिली ने मुझे गिरा दिया। खाना खा ले बाबा, खाना खा ले, पहले पहले खाना खा ले तू। मिली 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 सबको मिली, कहाँ पे मिली? मिली के लिए पानी रख दो। क्यूट गर्ल, ये मिली के लिए पानी। हाय मिली मिली, चलो मिली खाना खा लो, मैं बाद में आती हूँ। बाय बाय मिली, मिलू। अभी मिलू खाना खा रही है, मिलू को खाना खाने छोड़ देते हैं। मिली बाय बाय टाटा। वाले वाली प्यारी बच्ची, एक बार तो मिलके जाती। चलो बाय 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 डॉगो। तो आज इतने दिनों बाद मैं बाहर निकली हूँ। एक्चुअली वैसे तो घर पे ही मैं मंगवा लेती हूँ सारा सामान, या फिर मेरा भाई है वो लेके आ जाता है। तो अभी मेरा भाई आया हुआ है तो उस वजह से थोड़ी हेल्प हो जाती है, वो लेके आ जाता है। लेकिन आज मैं भी साथ में निकली क्योंकि मैं बहुत दिन से अंदर घर में बंद बंद अजीब सा लग रहा था। और मैं यहाँ पे मैंने सोचा कुछ फ्रूट्स ख़रीद लूँगी, लेकिन आप देखो दूर दूर तक रोड पे कुछ भी नहीं है, एक भी फ्रूट वाला नहीं है और कोई भी सब्ज़ी वाला तक नहीं है। मतलब वरना यहाँ पे लाइन से काफ़ी सारे रहते थे, लेकिन अभी एक भी नहीं दिख रहा है मुझे पूरा। आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो ये बैम्बू का लगा हुआ ये सब? हाँ यहाँ पे पहले लगे रहते थे बहुत सारे, मतलब कुछ कुछ शॉप, ऐसे ज़्यादा बड़े शॉप नहीं, बस वो गाड़ी में वैन वगैरह पे जो बेचते हैं उस तरह से वो लोग अपने फ्रूट्स वगैरह बेचा करते थे। तो बस ये रोड दूर तक तो खाली लग रही है। यहाँ पे देखो एक और ऐसा है लगा हुआ, यहाँ पे कुछ बेचने का था। रोड के दोनों तरफ देख लिया, कहीं भी कुछ नहीं है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कुछ वो लोग बेचते थे, यहाँ पे दुकान वगैरह लगा के कुछ कुछ बेचने का था। मे भी बैठने का भी है यहाँ पे, बट पूरा खाली है अभी। कुछ भी एक भी दुकान कुछ भी, मतलब दुकान तो नहीं, वो गाड़ियाँ, एक भी गाड़ियाँ नहीं है यहाँ पे अभी फ्रूट्स की। तो मैं बस ऐसे ही मैंने सोचा थोड़ा सा और आगे जाके देख लेती हूँ, मे भी मिल जाए या फिर रोड के उस पार हो, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और थोड़ा सा बाहर निकल के इतना अच्छा लग रहा था कि मैं चलती ही जा रही थी। वैसे तो बाकी दिनों में मैं लौट आती थी, पर आज क्योंकि इतने दिनों बाद बाहर निकली हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं घूमती ही जा रही हूँ। और ये देखो यहाँ पे लोग खड़े हैं। थोड़ा सा आजकल लोगों को देख के एंग्जाइटी होती है ना, एकदम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, दूर हट जाओ। ये देख रहे हो आप, वैसे कितना खूबसूरत लग रहा है। बस हाँ ये गाड़ियों की आवाज़, ये पीपा पीपा, ये मैंने बंद कर दी क्योंकि इससे बहुत अजीब सा साउंड आ रहा था, इस वजह से मैंने बंद कर दी। बस आप व्यू को एंजॉय करो, व्यू कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था घूमना, लेकिन वही है कि गाड़ियाँ बहुत चल रही थी क्योंकि मेन हाईवे है। और मैं वापस अपने घर की ओर, कुछ नहीं मिला। अब देखते हैं रोड के उस साइड जाएंगे और देखते हैं कुछ मिल जाए, कुछ तो एटलीस्ट फ्रूट्स में मिल ही जाएगा, कुछ भी मिल, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं फ्रूट्स के नाम पे। सब्ज़ी है थोड़ी बहुत, किसी तरह चल रहा है,
देखते हैं क्या होता है। ये फ्लावर्स देखो कितने सुंदर है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कितने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा जब बाहर निकले ही हैं तो थोड़ा वॉकिंग वगैरह कर लें, थोड़ा टहल लें, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। आप देख रहे हो पूरा कितना, ये कुछ खेत वगैरह कुछ बना के रखा है यहाँ पे, और इतने दिन बाद बाहर निकल के अच्छा लग रहा था। ऐसे तो मतलब बाहर क्या छत पे तो मैं जाती ही हूँ घूमने के लिए, लेकिन थोड़ा सा रोड पे आके इतने दिनों बाद अजीब सा लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन लगभग एक महीने से लगा हुआ है और हम लोग कहीं भी नहीं निकले हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आपको पता ही है कोरोना के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कुछ ब्लैक फंगस भी है और पता नहीं क्या क्या, तो मेरे को तो काफ़ी डर लगता है, इसलिए मैं कहीं भी नहीं निकलती। ऊपर से कैट्स भी हैं तो इस वजह से मुझे डर लगता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर इनका ध्यान कौन रखेगा। ये देखो म्याऊं म्याऊं कर रही है, ये कुछ बोल रही है, क्या हो गया उसे, लगता है भूख लग गई। तो ये देखो आप यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना, शांति एकदम, कोई भी नहीं दिख रहा, सब पूरा खाली था रोड, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टहल लिया जाए अच्छे से, बहुत दिन हो गए हैं। वैसे मैं शाम को बैडमिंटन भी खेलती थी लेकिन वो भी बंद हो गया, जिम बंद हो गया, तो इस वजह से घर में पूरे टाइम आप 24 घंटे घर में ही बंद है, बस छत पे घूमना है और बाकी सब्जी लाने भी या फिर कोई भी सामान लाने मैं नहीं जाती, मेरा भाई ही जाता है। और ये देखो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, कितना खाली है ना, मतलब कोई एक सिंगल पर्सन तक नहीं दिख रहा, क्योंकि इस वक्त सब डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। लोग मतलब जितना लाइटली अभी बीच में हो गया था कोरोना के बाद, सब एकदम नॉर्मल हो गए थे, सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन जब जैसे ये सेकंड वेव आई है तो उसके बाद से सब कुछ कितनी शांति है। ये पार्क था, अच्छी हवा चल रही थी, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही सूदिंग लग रहा था। और ये अब यहाँ पे मुझे पार करना पड़ेगा, मैंने सोचा मैं तो यहीं से जाऊँगी, ऐसे भी कूदते फांदते मैं यहीं से जाऊँगी। ये देखो आप कितना, मतलब एक भी इंसान आपको नहीं दिख रहा होगा पूरी वीडियो में। हाँ अभी आपको किसी से मिलवाती हूँ मैं, रुको। ये रही हमारी गौ माता, ये मेरे को देख रही थी और देखते देखते ये मेरे पास भी आ रही हैं, लेकिन मुझे डर लगता है तो आप दूर ही रहो। एक्चुअली मुझे बचपन में गाय ने मारा था, इसीलिए मुझे अच्छे से याद है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है गाय से, और मतलब सींग से मारा था, मैं बहुत छोटी थी तब, तो मैं दूर से ही गाय को प्यार करती हूँ, या फिर गाय के जो छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं ना उनको मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये एक और गौ माता, और एक और गौ माता वहाँ पे खड़ी हैं, एक और हैं, ये देखो कितनी सारी गौ माता है यहाँ पे। और ये देखो ये बच्चे कैसे रेल छुक 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 खेल रहे हैं, वो रहे वहाँ पे खड़े हैं। बस अब घूम लिया मैंने, अब मैंने सोचा अब चला जाए, क्योंकि जिस काम के लिए निकली थी वो काम तो हुआ नहीं, क्या क्या लेना था, और मुझे पता चला कि किराने की दुकान भी बंद है। चलो लेकिन कुछ कुछ थोड़ा बहुत है खाने पीने के लिए, तो काम तो चल ही जाएगा किसी तरह, मैनेज कर लेंगे। और बाकी देखते हैं अब क्या होता है, लॉकडाउन बोला तो है खुलने वाला है बहुत जल्द, उसके बाद में भी सारी चीज़ें मिल जाए। अभी क्या ऑनलाइन भी कुछ भी नहीं आ रहा है, इवन बिग बास्केट पे मैं सामान मंगाती थी वो भी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा इस वक्त बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। और ये देखो ये वापस से फ्लावर्स, ये फ्लावर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कितने, और मैं आपको कभी अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी, एक रोड है वहाँ पे ये फ्लावर्स हर कलर के हैं और ढेर सारे लाइन से हैं, और वो रोड मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ना, ये तो थोड़े से हैं बट कितने प्यारे लग रहे हैं, अलग ही कलर है, कुछ ज़्यादा ही सुंदर है ये। तो चलते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से, क्योंकि शाम होने वाली है, उसके बाद सब बंद हो जाएगा। और ये देखो फाइनली मुझे मिल गया है फ्रूट की दुकान, यहाँ से मैंने फ्रूट ख़रीदा। और वो आप ग्रीन की पन्नी दिख रहे हो, ग्रीन पन्नी जिसमें आम रखे, जी हाँ वो हम लोग वहीं पर भूल के आ गए थे, और
ये तो अच्छा था कि मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने देख लिया कि मेरी ग्रीन पन्नी वहीं छुटी हुई है, तो फिर हम अगले दिन भागे भागे गए और लेके आए। और यहाँ से हमने फ्रूट्स और सब्जियाँ वगैरह कुछ कुछ खरीदी, और इनका ये पेमेंट का काम नहीं कर रहा था, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और इसी वजह से क्या हुआ ना कि हम लोग अपना फ्रूट भूल गए, जो आपको वो ग्रीन पन्नी दिख रही है जिसमें आम दिख रहे हैं वो वाला भूल गए, बाकी सब हम ले आए थे। ये देखो आप, ये इसे इंजॉय करो, ये मुझे गुलमोहर के फूल बोलते हैं ना, ये इतने सुंदर लगते हैं, इतने सूदिंग लगते हैं ना, इन्हें देखना। और अभी शाम का वक्त हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये, इन्हें देखना, इतना प्यारा कलर है इनका। मैंने सुना है कि पहले जो होली खेलते थे तो गुलमोहर के फूलों से ही रंग बनाए जाते थे, ये होली वगैरह के टाइम में ज़्यादा उगते हैं तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे डॉगो आ रहे हैं, और ये तो हमारा शीरो द डॉग है। अरे ये कहाँ से आ रहा है, ये इतना गंदा हो गया, देखो इस तरह इसको। लेकिन अभी तो मैं खाना लेके आई ही नहीं, मैं इसे कैसे खाना खिलाऊं, खाना तो मैं शाम में लेके आऊंगी, अभी तो मैं सामान लेने गई थी। शीरो द डॉगो, और ये शीरो द डॉगो की गर्लफ्रेंड, तो शीरो द डॉगो को मैं शाम में आके खाना दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी खाना नहीं बचा है। और अब मैं चल रही हूँ घर की तरफ, ताकि मैं जल्दी जल्दी घर पहुँचूँ और शीरो द डॉगो के लिए कुछ लेके आती हूँ। ये बेचारे आज से देख रहे हैं मुझे, और इसकी गर्लफ्रेंड भी। ये देखो ये दुकान के अंदर हम लोग शटर के अंदर घुस के थोड़ी बहुत चीज़ें खरीद रहे थे, हमें भैया ने हेल्प कर दी, क्योंकि कुछ भी सामान नहीं था, थोड़ा बहुत ले लिया सामान वगैरह। और अब घर वापस, ये डॉगो वापस मिल गया, ये एक कोको, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो तो पता चल जाएगा, उसी के फादर कोको के फादर। और ये देखो यहाँ से आपको दिखेगा नहीं वैसे, यहाँ से पहाड़ भी दिखता है, देखो वो पीछे आ रहा है मेरे शीरो दड़ाक। ये गार्डन है, अभी कुछ भी नहीं है, कोई चहल पहल नहीं है। और ये देखो ये वापस से हमें कौन मिली, मिली हमें मिली, एक्चुअली मिली जो है ना वो पहले कहीं और रहती थी, तो ये मैं से बैडमिंटन खेलती थी तो मैं से प्यार किया करती थी, तो ये मेरे पास ही रहने लग गई, और अब ये मेरे गेट के सामने ही रहती है। और जब भी मैं जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे से मुझे ग्रीट करती है, मैं आपको और भी वीडियोस दिखाऊंगी इसकी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी बच्ची है ये। ये देखो ये फ्लावर सूंघ रही है, मिली आपके लिए फ्लावर है, ले लो आप। तो ये मिली है मेरी, क्यूट सी प्यारी सी मिली, और मुझे बहुत अब पसंद है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, गुड गर्ल, आई लव यू मिली, बाय बाय।